हेलो, मैं हूँ नवीन एंड आज SGR फाउंडेशन के पेज पे हम लाइव हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। टाइम हमारा 3 बजे का है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेक करने के लिए पहले मैंने शुरू कर दिया सो दैट वी नो कि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हैं लाइव तो मुझे ये बस बता दीजिए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या कमेंट में आप ही मेंशन कर सकते हैं कि अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, कैमरा ठीक से काम कर रहा है, सो दैट वी कैन टेस्ट टिल द टाइम वी हैव मोर पीपल। एम आई ऑडिबल? या ग्रेट। हेलो शीला जी, सो शुड वी वेट फॉर अ मिनट? तब तक मैं ऐसे ही कुछ इधर उधर की बातें कर सकता हूँ, और 1 मिनट हम वेट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ लोग और आ जाएं, क्योंकि हमने 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो 3 बजे तक तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो आ चुके हैं उनको वेट नहीं करवाना चाहूँगा मैं बहुत ज़्यादा। सो मैं नवीन हूँ, और जो बहुत ही अच्छा ये सेशन SGR फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, एंड बहुत सारे सेशंस मैंने देखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग विच इज़ हैपनिंग। एंड लॉकडाउन के टाइम में जब हम लोग सब अपने घरों के अंदर हैं, उस समय अगर ये मौका है जहाँ पे इंटरेक्ट करने का, टेक्नोलॉजी के थ्रू बातें हो रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि हम सब लोग हैं यहाँ पे, हम सब लोग इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। सर संजय जी, थैंक यू सरता जी फॉर कन्फर्मिंग, थैंक्स सुनील जी। या सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट, वी हैव गुड नंबर, वी हैव 10 पीपल राइट नाउ। सो लेट मी स्टार्ट विद, आई वॉज जस्ट लुकिंग इफ आई हैव माई बुक अराउंड। सो आई एम नवीन चौधरी और मैं एक राइटर हूँ। मेरा एक उपन्यास है जो कि राजनीति पर है, इसका नाम है जनता स्टोर। जनता स्टोर जो है वो जयपुर की एक जगह है, तो मैं उपन्यास के बारे में और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। राइटिंग के अलावा जो है, मैं ये राजनीतिक उपन्यास, ये मेरा पहला उपन्यास है, और ये आने के बाद दैनिक जागरण और नीलसन बेस्ट सेलर लिस्ट निकालते हैं। इट वॉज पार्ट ऑफ दैट लिस्ट, सो टॉप 10 हिंदी की लिस्ट आती है। सो 6 महीने तक ये उस लिस्ट का पार्ट रहा। मैं सटायर लिखता रहता हूँ, सटायर मेरे काफ़ी पॉपुलर होते हैं। मेरा एक कटाक्ष के नाम से पेज चलता है, जिसपे कि 2 लाख के आसपास कुछ फॉलोअर्स हैं, और वहाँ पे सटायर आते हैं। फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो माई हॉबी, सो दैट आई यूज टू डू, आजकल मेरा बहुत कम हो गया है, बट ट्रैवल फोटोग्राफी इज समथिंग विच आई डू मोर, एंड मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। मैं ब्रांड मैनेजमेंट में हमेशा रहा हूँ, सो आई स्टार्टेड माई कैरियर विद दैनिक जागरण इन नोएडा एज ब्रांड एग्जीक्यूटिव, एंड फ्रॉम देयर आई मूव टू आदित्य बिरला रिटेल, वहाँ पे जो मोर सुपर स्टोर्स इफ यू हैव नोन, सो उनका जब आया था ये, तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ मार्केटिंग फॉर एंटायर राजस्थान। देन आई मूव अगेन बैक टू मीडिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैनिक भास्कर एज सीनियर ब्रांड मैनेजर, एंड देन आई वॉज मैनेजिंग चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। वहाँ से फिर मैं एजुकेशन की इंडस्ट्री में आया, एंड एडकॉम्प वॉज वन वेर आई स्टार्टेड वर्किंग। सो एडकॉम्प स्मार्ट क्लासेस अगर आपने देखे हो, तो आई वॉज वर्किंग फॉर दैट डिवीज़न, एंड वहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग के अंदर काफ़ी काम किया। अगर आप लोगों को याद हो, एक ऐड आया था एडकॉम स्मार्ट क्लास का बहुत पहले, जिसका जिंगल था जागो पप्पा प्यारे, हो गई अब तो देर, तो ये जिंगल, इस एड पे मैंने काम किया था। एंड फ्रॉम देयर आई मूव टू बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद DK बुक्स। DK इज़ पार्ट ऑफ पेंगविन रैंडम हाउस, और वहाँ पे जो बुक्स आती हैं काफ़ी इलस्ट्रेटेड बुक्स होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं ज़्यादातर ये, और इंडिया में नया नया ऑपरेशन तब उनका स्टार्ट हुआ था लोकल बुक्स का, सो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दैट मार्केटिंग, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लाइकिंग बुक्स मोर, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर 3 ईयर्स इन DK, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मूव कर गया, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेस, एंड वी आर डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मैं इनका एकेडमिक डिवीजन की मार्केटिंग देखता हूँ, एंड आई एम एसोसिएट डायरेक्टर देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, एंड देन राइटिंग इज हॉबी, सो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अर्लियर इन रायसोनी ग्रुप्स एंड इवेंट विच हैपेंड इन नागपुर रिट फेस्ट।
So coming to the point, which we are here to discuss, and now it's 3 p.m. when we were supposed to start, so I'm starting it now. So राजनीतिक उपन्यास की कहानी, ये मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि मैंने राजनीतिक उपन्यास क्यों लिखा, क्योंकि जब भी कोई नया राइटर आता है, जो फर्स्ट टाइम आता है, उसका इंटरेस्ट एरिया प्रेम होता है प्राइमरीली। वो इश्क मोहब्बत पे ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि इश्क मोहब्बत को मुझे कई बार लगता है कि उसको समझाना आसान है, उससे लोगों का कनेक्ट जो है बहुत जल्दी हो जाता है। पॉलिटिक्स इज़ वन एरिया जिसमें कि हम सब लोग जो है कहते हैं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में सबका इंटरेस्ट होता है। सो पॉलिटिक्स थोड़ा सा कई बार नीरस भी हो जाता है, उसमें बोरिंग हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए भी पॉलिटिक्स लिखने से लोग डरते हैं। पॉलिटिक्स कई बार नेगेटिव साइड में जाता है, सो पॉलिटिकल स्टोरीज के साथ ये इश्यूज आते हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दोज, इट वॉज अ क्वेश्चन वाई आई चूज टू राइट अ पॉलिटिकल नॉवल। सो लेट मी स्टार्ट विद दैट थिंग वाई आई डिसाइडेड। लव स्टोरी भी थी मेरे पास, लेकिन जब यहाँ पे मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, राइटिंग एंड मार्केटिंग दोनों चीज़ें साथ साथ मेरी चलती रहती है। सो फर्स्ट थिंग विच आई फेल्ट कि देर आर अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज इन मार्केट। लोग प्रेम की बहुत बातें कर रहे हैं, राजनीति के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। और राजनीति में भी अगर हम बात करें तो छात्र राजनीति के ऊपर बातें नहीं होती हैं। बुक्स की बात करूं तो काशीनाथ सिंह जी की एक अपना मोर्चा किताब है, उसके अलावा मेरी नज़र में कोई ऐसी किताब आई नहीं जहां छात्र राजनीति के ऊपर बहुत डिटेल में बात की गई हो। और छात्र राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है ये आप सब समझ सकते हैं कि कितने बड़े नेता हमारे छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। 1975 के समय जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जो पूरा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को युवाओं ने ही चलाया था। तो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स है वो देश को चेंज करती रही है। मंडल कमीशन के समय भी जो एक पूरा आंदोलन हुआ वो छात्रों से हुआ। रिसेंट अगर हम देखें तो निर्भया कांड जब हुआ था दिल्ली में, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस पूरे कैंपेन को मूव किया। सो ये जो स्टूडेंट्स की पावर है जो कि देश की पॉलिटिक्स को चेंज करने की बातें करती है, ये यहाँ तक तो स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप डिटेल में घुसते हैं आपको दिखता है कि उसके अंदर क्राइम है। वहाँ पे कभी किसी की किडनैपिंग की न्यूज़ आती है, कभी क्रिमिनल्स के इन्वॉल्व होने की बात आती है, कभी पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्व होने की बात होती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज गुड और बैड, एक्चुअल में ये है क्या। कॉलेज में हम सब कभी न कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमारा पाला पड़ा होगा, हमने देखा होगा, लेकिन उसका एक साइड, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड हम कई बार नहीं देख पाते हैं। मेरे पास एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी का कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ा था 1998 में, और एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े छात्र संगठन से लड़ा था, तो इसलिए मेरे पास पॉलिटिक्स को अंदर से देखने का एक नज़रिया था। उस नज़रिए ने मुझे ये एक और आइडिया दिया कि क्या मैं पॉलिटिक्स पे भी लिखूं। अब पॉलिटिक्स पे शुरुआती में शुरुआत क्यों करना, क्योंकि एक राइटर के लिए बहुत ही रिस्की काम हो जाता है एक ऐसे विषय पर लिखना जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं और ये बोरिंग भी बन सकता है। दैट वाज द टाइम जब 2016 में जेएनयू का इंसिडेंट हुआ था, जब वो नारेबाजी वाली सारी चीजें हुई थी। जेएनयू इंसिडेंट में दोनों तरफ से डिबेट होनी शुरू हुई, किसी ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी ने कहा वो देशद्रोही है। मैं इस डिबेट में बिल्कुल नहीं जाता कि वो देशद्रोही थे या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ये आपका जो पॉलिटिकल व्यू है प्लीज गो फॉर दैट व्यू, मैं उस व्यू के ऊपर कोई बात आपसे नहीं करूंगा। लेकिन जिस चीज की मैं बात आपसे करूंगा वो बात ये है कि ये सारा जो नैरेटिव सेट हुआ, ये सारी जो चीजें हुई, ये हुई कैसे, या किसी और यूनिवर्सिटी में जब ये होता है तो होता कैसे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पुलिस छापा मारती है तो कमरे के अंदर कट्टे और बम मिलते हैं चुनाव के समय में, तो ऐसा क्यों होता है, कहाँ से होता है। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होता है यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के अंदर। उसका रीजन ये है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको एक क्राउड चाहिए अपने पीछे, उनको एक एनर्जी चाहिए, और वो क्राउड बहुत तरह का होता है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो ये हमेशा आप अगर किसी नेता को पसंद करते हैं, आप कहीं इसके लिए डिबेट भी करते हैं, तो आप उसके लिए नारेबाजी करने या उसकी रैली में नहीं जा सकते। अभी जैसे सोशल मीडिया पर आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जबरदस्त मोदी सपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटी मोदी हैं, लेकिन क्या मोदी की रैली में वो सारे जाएंगे, क्या राहुल गांधी की रैली में जो एंटी मोदी हैं वो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो एक अलग भीड़ चाहिए जो भीड़ आपके साथ जुड़े थे, एक भीड़ होती है जो आपकी रैलियों में आए।
दूसरी भीड़ है जो उस माहौल को बना के रखे, जो डिस्कशन कर सके, जिसके पास वक्त है बात करने का। और स्टूडेंट्स ऐसे ऐसा एक एलिमेंट है जो कि एनर्जेटिक है, जिसके पास चीज़ों को चेंज करने की ताकत है, जो आपकी रैली ऑर्गेनाइज करने से लेके आपके बारे में बात कर सकता है, वो डिबेट कर सकता है, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ से उनको दिखना शुरू होता है कि ये जो है हमारे काम के लोग हैं। और यहाँ से अगर उनको शुरू में ही, वो कहते हैं कैच दम यंग, सो अगर कैच दम यंग उनको नहीं किया गया तो वो लोग पॉलिटिक्स का, इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होंगे, हो सकता है वो चेंज हो जाए। एक साउथ इंडियन मूवी थी जिसका बाद में हिंदी रीमेक भी आया था, और साउथ इंडियन मूवी का नाम मुझे याद नहीं, पर हिंदी रीमेक का नाम था युवा। इसमें अजय देवगन थे और विवेक ओबराय था, और एक एक हीरो और थे, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है। तो इस मूवी को अगर आप देखें तो ये मूवी ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे थी, जहाँ यूनिवर्सिटी के लड़के पूरे करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, पूरा सिस्टम जो है उनको तोड़ने की कोशिश करता है, उनको मिलाने की अपने साथ कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं बनते, और उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं, लेकिन वो चुनाव जीत के आए हैं। तो ये जो है उनका आना कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम को थ्रेटन करता है। हर कोई सिस्टम को चेंज करने आता है, लेकिन सिस्टम को चेंज करने के लिए वो आता है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा जब वो बन जाता है तो कहीं के उस सिस्टम के अंदर सकिन हो जाता है। और यही सिस्टम जो है कभी ये नहीं चाहता कि चीज़ें चेंज हो जाएं, इसलिए उस यूथ को वो लोग शुरू से पकड़ना चाहते हैं। पीछे बहुत सारे लोग आए हैं, थैंक यू वेरी मच जो भी ज्वाइन किए हैं, थैंक यू। एंड मोहन सरवटे सर, ही वॉज माई सीनियर सो ही इज़ हियर, सो थैंक यू वेरी मच मोहन सर। रिचा इज टेलिंग मी कि अभिषेक बच्चन थे इस मूवी में, यस, पर अभिषेक बच्चन जो है वो विलन थे इसमें, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट जो स्टंट्स चला रहे थे। तो ये एक रीजन है कि पॉलिटिशियंस हमेशा चाहते हैं कि यूथ आए यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में। तो यहां तक तो हमने बात की कि क्यों ऐसा होता है, क्यों यूथ के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। अब हम आते हैं उपन्यास पे, कि जब मैंने वो उपन्यास लिखना शुरू किया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे, मेरे को क्या क्या सोचना था। सबसे पहली चीज, जो राजनीति की बातें मैंने देखा किताबों में नहीं है, फिल्मों के अंदर है। तो जिन फिल्म्स को मैंने देखा, हासिल एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मरहूम इरफान खान की फिल्म थी, रणविजय भैया के कैरेक्टर के रूप में उनको सब याद रखते हैं, तो वो एक बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन अगर आप हासिल का भी प्लॉट देखें तो वो एक प्रेम कहानी का प्लॉट था। उसको छात्र राजनीति से शुरुआत तो हुई उसकी, लेकिन वो प्रेम कहानी का प्लॉट था, जिसमें जिमी शेरगिल और रिश्ता भट्ट की प्रेम कहानी चल रही है, और उसके बीच में इरफान भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो घूम फिर के राजनीति में प्रेम कहानी आ जाती है। एक मूवी आई थी दिल दोस्ती एटसेट्रा, ये डीयू की यूनिवर्सिटी पे थी। हासिल में तो फिर भी काफी हद तक राजनीति को दिखाया गया है, जैसे उसमें वो था कि जनेऊ को हाथ में लेके और कसम खानी है किसको वोट देना है, तो वो जातिगत राजनीति को उन्होंने दिखाया था। दिल दोस्ती एटसेट्रा एक अलग लाइन पे चली गई थी, वहां पे जो है पूरा का पूरा प्रेम कहानी ही एक तरह से बन गई थी, राजनीति के दांव पे बहुत ज्यादा थे नहीं। तो राजनीति को वो अंदर से दिखाने की मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कमी है, राजनीति के दांव पे जो दिखाए जाते हैं वो नहीं है। और जो दिखाया भी गया वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश की बात हो जाती है, लेकिन क्या राजनीति सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश या बिहार में होती है? क्या राजनीति कहीं और नहीं होती? क्या महाराष्ट्र में नहीं होती? क्या राजस्थान में नहीं होती? और अगर होती है तो क्या वो राजनीति अलग है इससे? राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति में शायद कट्टे आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस तरह से, या बम नहीं मिलेंगे जो इलाहाबाद में मिल जाते हैं, लेकिन ये जो कास्ट आपने हासिल में देखा था, जहां जनेऊ हाथ में लेके कसम खाई जाती है, ये कास्ट हर जगह पर है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है, ये महाराष्ट्र में भी मिलेगा, ये आपको किसी भी और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दैट इज वेरी मच स्ट्रांग, कास्ट इज वेरी मच स्ट्रांग। सो व्हेन आई वाज राइटिंग दिस नॉवल, मेरे को ये एक आइडिया था कि मुझे कास्ट की जो पॉलिटिक्स है वो मुझे बताना है। नॉवल लिखते टाइम मैं दो ही चीजें ध्यान रख रहा था, कि एक, जो भी मेरा नॉवल पढ़े उसको मजा आए पढ़ के, एंटरटेनमेंट रहे, सेकंड उसको कुछ नई चीजें समझ में आए। तो नई चीजों में मैंने एक, मेरे को लगा कि कास्ट के इक्वेशंस जो होते हैं, कास्ट को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, और कैसे जो लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो खुद एक्चुअली कास्ट को कैसे देखते हैं, इस थॉट प्रोसेस को मैंने रखा। ये एंटरटेनिंग बना रहे इसलिए मैंने इसके अंदर सस्पेंस के एलिमेंट्स बहुत सारे डाले हैं, करीब 7-8 एलिमेंट्स हैं इसमें सस्पेंस के, जो कि आपको हर 30-35 पेज के बाद आपको एक बार शॉक देंगे कि ये क्या हुआ, जो आपने पूरी स्टोरी सोची थी वो चेंज हो जाती है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहा। और राजस्थान की चूंकि बात नहीं होती, राजस्थान की जब भी बात होती है तो राजस्थान की पॉलिटिक्स के नाम पे हम राजपूतों की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं
कि हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा पावरफुल शेड्यूल ट्राइब मीणा राजस्थान में, जिनका एक पावरफुल होल्ड है। नॉर्थ इंडिया के लोग जाटों की खूब बात करते हैं, वो जाटों को प्राय हरियाणा से जोड़ देते हैं, लेकिन वो जाट राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनकी संख्या तकरीबन 11% है राजस्थान में, लेकिन जो राजपूतों से ज़्यादा है, राजपूत करीब 9% के आसपास है। लेकिन राजपूतों के वहाँ चीफ मिनिस्टर बने पर जाटों के नहीं बने। तो जाटों के अंदर ये कास्ट का बड़ा स्ट्रांग वो निकल के आता है कि हम क्यों नहीं है इसके अंदर। तो उनका राजपूतों से एक विरोध बनना शुरू हो गया। वो अपना विरोध देखते हैं कि राजस्थान के लोग, वो राजा थे तो कुछ जाट भी राजा थे, इस बेस पे वो कास्ट की उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो ये जो कास्ट के इक्वेशंस हैं क्यों हैं, ये राजनीति में मुझे लगा कि मुझे डालना चाहिए। तो जब भी अगर आप में से कोई कभी राजनीति पे लिखना चाहे, सबसे पहली चीज़ आपको ये तय करनी है कि आप कौन सी राजनीति पे लिखना चाहते हैं। मैंने जैसे छात्र राजनीति पे लिखा है, हर तरह की राजनीति देश में होती है। ये पंचायत से शुरू हो जाती है, पंचायत छोड़िए, पंचायत तो फिर भी बड़ा है, हमारे यहाँ मोहल्लों में RWA बनती है, वहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। तो RWA की राजनीति से लेके देश की राजनीति तक आपके पास राजनीति में लिखने के लिए बहुत सारा स्कोप है। लेकिन हर तरह की राजनीति में एक अलग तरह का गेम होता है। जब आप पंचायत की राजनीति की बात करेंगे, पंचायत में जहाँ जाति की बात होती है, वहीं का वहीं परिवार के वर्चस्व की लड़ाइयाँ भी होती है। पंचायत में एक छोटे गांव का चुनाव प्राय होता है, वो जहाँ की इस गांव की पॉपुलेशन है, जातियाँ आपस में बट गई, लेकिन जो एक प्रमुख जाति है उस जाति में भी दो तीन लोग होंगे जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि दूसरा आदमी बढ़े। तो यहाँ पे कास्ट की पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनल पॉलिटिक्स में चेंज हो जाती है, फैमिली इक्वेशंस में चेंज हो जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सेकेंड, अगर आप स्टेट में आ जाते हैं तो स्टेट की पॉलिटिक्स जो है वो अलग तरीके से जाएगी। और नेशनल के अंदर तो उनको हर स्टेट में अपने लोग बिठाने हैं, वहाँ पे फिर उनका जो है स्टेट की लड़ाई आ जाती है। स्टेट में कास्ट को लड़ा दीजिए, लेकिन जब आप नेशनल में जा रहे हैं तो वहाँ पे सवर्ण और OBC की लड़ाई हो सकती है, वहाँ पे स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई हो सकती है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स हो सकती है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन कवर। स्टेट पॉलिटिक्स इज वन एरिया, सो आई पिक स्टेट पॉलिटिक्स कि हम इसकी बात करेंगे। अब एक नॉवल को जब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बना के रखना है, उस नॉवल को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे इंसिडेंट्स को ऐड करें जो इंसिडेंट्स इंटरेस्ट बनाए रखें। तो मैं जब इस कहानी को लिख रहा था, मेरे पास तीन चार ऐसे इंसिडेंट्स थे जो इंसिडेंट एक्चुअली टर्निंग पॉइंट हो सकते थे स्टोरी में, और ये इंसिडेंट स्टेट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा थे और इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे। सो आई स्टार्टेड दैट स्टोरी ऑन टू डिफरेंट ट्रैक्स। एक में यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दूसरे में स्टेट पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है जहाँ चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर की लड़ाई है। दोनों कहानियां चलती हुई आगे आके एक जगह पे मर्ज हो जाती है। अब इनको जो मर्ज करना है, यहाँ पे एक राइटर का वो पूरा गेम होता है कि कैसे आप उसको मर्ज करेंगे, कैसे आप उसको मिक्सअप करेंगे। तो ये मैंने वहाँ पे उसको मिक्सअप करने के लिए कनेक्शन बिठाया था, इसीलिए यही सोचते हुए मैंने एक एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की लड़ाई दिखाई, जिन्होंने यूनिवर्सिटी को अपना बैटल ग्राउंड बनाया है। सो एंड ऑफ द डे जब ये स्टोरी को आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी की कहानी थी नहीं, ये पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स की कहानी थी। कैरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स के अंदर दो लिखने में, जब मैंने पहली चीज कही कि कौन से इंसिडेंट्स आप डालते हैं, वो इंसिडेंट्स प्रायः ऐसे होते हैं जो कि लोगों को इम्पैक्ट करें। सो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने कभी देखा हो या आपने ना देखा हो तो उसके पीछे की आपको वो देखने को मिले, या आपने देखा तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। जैसे मेरी बुक में एक हॉस्टल के अंदर का एक रेप केस है, एक लड़के के जल जाने की पॉलिटिक्स, जल जाने का इंसिडेंट है। इन दोनों इंसिडेंट के पीछे जो पॉलिटिक्स होती है, सो रेप केस के अंदर उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, दैट इज अ सोसाइटी वी हैव सीन। एज अ राइटर मेरा ये काम है कि मैं उसको जगाऊँ आपके उस इमोशन को। तो मैं उस इंसिडेंट के थ्रू आपके उस इमोशन को जगाने की कोशिश करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉलिटिक्स कैसे इस पर होती है। एक जो लड़का जल के मर जाता है, उसके जल के मर जाने के पीछे उसका माइंडसेट क्या है, क्योंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। उस आंदोलन में क्या वो जलाया गया या वो खुद जल के मर गया, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, और अगर जब ये हो चुका है तो इसको कैसे देखा जाता है। आप बहुत इजी रीसेंट एग्जांपल देख लीजिए कि अभी ट्रेन की ट्रैक पर कुछ मजदूर मर गए, इसको लेके जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, आप पूरी एक कहानी उन मजदूरों के ऊपर बना सकते हैं कि एक मजदूर की जिंदगी किस तरह पॉलिटिक्स से प्रभावित हो जाती है। इस समय डिबेट, कोई कह रहा है कि अरे ये सरकार की कमी थी, कोई कह रहा है अरे वो मूर्ख थे, पटरी पे क्यों सोए।
लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इतने सालों के बाद 1947 से हम जो आज़ाद हुए हैं, ये मजदूर जो है आज तक मजदूर ही क्यों है, क्यों उनकी स्थिति आज भी ऐसी है कि उनके लिए कोई सुनने देखने वाला नहीं है, क्यों वो सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो है रियल लाइफ से पिक करके जब आप स्टोरी में डालना शुरू करते हैं तो आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनने लगती है, लोगों को उसमें जुड़ने में मज़ा आता है। अब जो एक रिस्क आता है, और ये करेक्टर्स को, दूसरा पॉइंट जो मैं करेक्टर्स पे आ रहा था, करेक्टर्स को चुनने का रिस्क, ये करेक्टर हमारे आपके बीच के हो सकते हैं, ये करेक्टर वो सारे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं जिनको आप और हम देखते हैं। पर पॉलिटिक्स लिखने का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं किसी करेक्टर के साथ तो आपके ऊपर अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी आप लिखें तो सबसे पहले लिख दीजिए कि ऑल करेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी आर फिक्शनल। ये बहुत सेफ चीज़ है, ये लिख दिया जाना चाहिए। और उसके बाद कह दीजिए कि अगर किसी से इसका मिलता है किसी घटना से तो ये महज एक इत्तफाक है। तो ये लाइन बहुत प्यारी है, तो इस लाइन का जिक्र कर दिया जाना चाहिए। तो करेक्टर्स को चुनते टाइम जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो करेक्टर्स कौन है, कहाँ से हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, और ऐसे करेक्टर्स जिससे जुड़ाव हो सके। जब मैं जनता स्टोर के लिए चीफ मिनिस्टर का करेक्टर चुन रहा था तो मेरे सामने एक आदमी नहीं था, मेरे सामने उस समय 3-4 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स थे जिनकी पर्सनैलिटी को मैंने देखा, जिनकी पॉलिटिक्स को मैंने स्टडी किया था, और उस पॉलिटिक्स को मैं उस स्टोरी में लेके आया। तो वो जो पर्सनैलिटी बनी है वो 3-4 चीफ मिनिस्टर्स को मिक्स करके बनी है। इसी तरह जो है जो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, उस प्रोटैगनिस्ट को भी मैंने अपने आसपास के लोगों को देख के ही क्रिएट किया, कैसे वो बिहेव करते हैं। कहानी में जो एक इंटरेस्टिंग एंगल है वो मैंने डाला था, दैट वॉज ग्रे शेड। जो जो मेरी कहानी के आपको हीरो दिखेंगे, शुरू में आपको सब हीरो मिलेंगे आप मेरी कहानी में, आपको उनसे प्यार होने लगेगा, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको उनसे नफरत होने लगेगी कि अरे यार ये तो आदमी बड़ा ख़राब निकल गया, ये तो बुरा है। ये करना जो है ये कई बार होता है कि हम ये जानबूझ के कर रहे हैं या ये अनजाने में हो जा रहा है। तो राइटर का कई बार ये प्लान होता है कि वो ऐसा करेगा, कई बार स्टोरी का पार्ट होता है। तो मेरी कहानी में कुछ एक करेक्टर्स को तो मैंने प्लान किया था कि ये बाद में ग्रे शेड में जाएंगे, लेकिन प्रोटागनिस्ट भी बीच में एक बार ग्रे शेड में आ चुका था, और ये कहानी ने खुद मेरे से करवा दिया था, ये मेरा प्लान नहीं था। तो उसको चेंज किया जाना चाहिए कि नहीं चेंज किया जाना चाहिए, मुझे रियलाइज हुआ कि उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप और हम कोई भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है, और आप और हम में से कोई भी बहुत बुरा इंसान नहीं है। हम सब लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, और हम लोग कुछ सिचुएशन में एक ही चीज़ को लेके हम दो सिचुएशन में दो तरह का बर्ताव कर सकते हैं। तो ये एक मेरा उसमें थॉट प्रोसेस था जिसको लेके कि मैंने कैरेक्टर्स को चेंज किया। लेकिन पॉलिटिशियंस के मामले में मैं श्योर था, क्योंकि पॉलिटिशियंस के कैरेक्टर्स में वो चेंजेस नहीं आए। पॉलिटिशियंस का जो कैरेक्टर है वो एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करना है कि उनको पावर में आना है। उस पावर में आने के लिए वो क्या क्या करेंगे वो मैं इंश्योर करना चाहता था, और उनके कैरेक्टर्स को ऐसा ही दिखाया गया कि वो पावर हंग्री हैं। अब इस पावर हंग्री लोगों को पावर में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पॉलिटिक्स का जो बेसिक है वो पावर ही है। अब इसके लिए काम होता है कि आपने किस तरह का काम किया है उसको वो कैसे दिखाते हैं। दूसरा मनी पावर है, सो हाउ दीज पॉलिटिशियंस गेट मनी। तो इसके ऊपर मैंने कुछ एक बुक्स पढ़ी थी, थोड़ा रिसर्च किया कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से वो खेलते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। दिल्ली से जयपुर आने के हाईवे पर एक फ्लाईओवर का काम चल रहा था, रोड बन रही थी। बीच में एक जगह डिमांड हुई कि एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, और ये फ्लाईओवर की जो लेंथ है दैट इज नॉट मोर देन 500 मीटर्स, और उस फ्लाईओवर की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ा 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर ख़त्म होता था, लेकिन वो फ्लाईओवर की डिमांड होनी शुरू हुई। ज़रूरत नहीं थी लेकिन पता नहीं क्यों मांगा गया। तो अब यहाँ पे दो थ्योरीज निकल के आई जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, मैं नहीं जानता सच क्या है। ये था कि फ्लाईओवर अगर वहाँ पे बनता है तो जो बिल्डर है, बिल्डर का रेवेन्यू बढ़ता है, दैट रेवेन्यू विच समवन वांट टू सम पॉलिटिशियन वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, सो दे आर लाइक पुशिंग फॉर इट। दूसरा, जिस जगह वो फ्लाईओवर बना था, जहाँ उसका हाइट था, उसके ठीक बगल में रोड के साइड में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था जो बहुत चला करता था। उस फ्लाईओवर के बनने के बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि उस रेस्टोरेंट में कोई पॉलिटिशियन अपना पार्ट लेना चाहते थे, जिनको नहीं मिला तो उन्होंने उसका रेस्टोरेंट बंद करवा दिया। अब ये जो है पॉलिटिक्स, आपको तो ये दिख रहा है कि एक फ्लाईओवर बना था जिस फ्लाईओवर के नीचे से लोग निकल सकते थे या ऊपर से निकल सकते, लेकिन उसके पीछे की पॉलिटिक्स जो है वो आम आदमी को नहीं पता चलती।
तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को आई पिक्ड अप एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इट। कास्ट और रिलीजन की हम बात कर ही चुके हैं, फेलियर ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर भी पॉलिटिक्स काफ़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक पॉलिटिकल नॉवल का पार्ट बनती है। तो ये मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा था एंड नेक्स्ट नॉवल विच आई एम राइटिंग इज ऑल्सो ऑन पॉलिटिक्स बट दैट इज वेरी मच ऑन स्टेट पॉलिटिक्स। इसके अंदर जो मेरा राइटिंग है वो एक रेप केस के ऊपर है और उस रेप केस की इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो रेप केस एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट है और उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट होने वाले रेप केस पे जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन से क्या क्या निकल के आता है इसकी वहाँ पे बातचीत हो रही है। तो जब भी आप पॉलिटिक्स लिखना चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग हो। मैं जिस एरिया की कहानी लिख रहा हूँ उस एरिया का नाम है मेवात। मेवात अगर आप नहीं जानते तो मेवात एक एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मेवात एक रीजन है। ये रीजन हरियाणा और राजस्थान इसका मिक्सचर है। तो नूह हरियाणा का एक पोर्शन है जो इसमें आता है और राजस्थान में अलवर और भरतपुर इसके अंदर आते हैं और उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें टच होता है। मेवात रीजन की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कहीं भी और से, क्योंकि जैसे बाकी जगह दो जातियों की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंगली हिंदू मुसलमान एक समय में एक साथ होते थे, यहाँ मेव मुसलमान होते हैं। मेव मुसलमानों की जो कहानी है, मेव मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि मेव क्या मुसलमान का और गुजर क्या हिंदू का, ये मेवात की कहानी है। अर्थ ये हुआ कि मेव जो है वो मुसलमानों की तरह नहीं है और गुजर हिंदुओं जैसे नहीं है, इनका कोई धर्मों से मतलब नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आपको पिछले 3-4 साल के इंसिडेंट्स याद हों तो मेवात इलाके में गाय ले जाने के कारण वहां पे एक आदमी को मार दिया गया, बीफ खाने के कारण वहां पे झगड़े हुए हैं हरियाणा के अंदर, ये माना गया कि यहाँ पे बीफ बेचा जाता है। और अब आप ये सारी डिबेट के अंदर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मेवात के मुसलमान बीफ नहीं खाते, कोई एक आधा केस होंगे वो अलग बात है, पर जो प्राइमरीली वहाँ के किसान मुसलमान बीफ नहीं खाते, पर हमारा ये जनरल परसेप्शन बन जाता है कि कहीं और अगर खाया जाता तो यहाँ भी खाएगा। और यहाँ पे राइटर का रोल आता है कि आप जिस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं उस एरिया की आप रिसर्च करें, आप इंश्योर करें। तो जब वहाँ पे कोई गाय लेके जा रहा है मुसलमान और उसको मारा जा रहा है तो क्या वो बीफ की वजह से था, तो नहीं। मेवात का जो बहुत बड़ा बिजनेस है गाय के चमड़े का बिजनेस है, मीट का बिजनेस वो नहीं है। अब ये चीज जो है नॉर्मली पॉलिटिक्स आपसे छिपाएगी, वो लोग आपको नहीं बताएंगे जो इसके विरोध में है या जो इसके समर्थन में है। आपसे ये कहा जाएगा कि अरे वो बीफ खाता इसलिए उसको मारा गया, कोई कहेगा किसी को खाने पे आप कैसे मार सकते हैं। तो दोनों तरह की डिबेट है, आप जिस भी डिबेट में जाइए, पर असल चीज ये है कि उस एरिया में पूरा पावर गेम चलता है। राजस्थान के अंदर गौ तस्करी का कानून है, वहाँ पे आप गाय एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वहाँ ले जाने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। गाय को ऐसे बेचा नहीं जा सकता क्योंकि स्लॉटर हाउस वहाँ पे बैन है, अगर वो स्लॉटर हाउस जो है उसके अंदर गाय जाएगी, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए नियम बने हुए। तो एक राइटर जब एक पॉलिटिकल नॉवल लिखता है तो उसको ये इन चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है कि आप आसपास के जो इंसिडेंट्स हैं उन इंसिडेंट्स को बड़ी सूक्ष्मता से देखें, माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करें और उसके पीछे के फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर मैं सिंपली ये लिख दूं कि मेवात में बीफ खाने की वजह से उसको मारा गया तो बाहर के लोग शायद पढ़ के कहेंगे ठीक है, लेकिन मेवात रीजन का आदमी तो कहेगा कि हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स नहीं है, तो वो पॉलिटिकल और जो पॉलिटिक्स को समझते हैं वो आपको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये एक रिसर्च वाला जो एरिया है, दैट रिसर्च इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर पॉलिटिकल राइटिंग। कास्ट इक्वेशंस की भी कहानी जो हम बात कर रहे थे वो बड़ी डिफरेंट चलती है, तो वहाँ पर गुजर और यादव जो है वो एक साथ हैं, बाकी जगहों पे ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनका आपस में कनेक्शन इतना दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही जातियाँ जो हैं वो गाय के दूध से कमाती हैं। उसके अलावा गुजर जाति जो है वो मार्शल कास्ट है। ये जो मार्शल कास्ट है मतलब जैसे जाटों को कई जगह मानते हैं लड़ने भिड़ने वाले को, तो उनको प्यार से जो पुचकारता है वो उसके साथ चले जाते हैं। तो जब हिंदू और मुसलमान वाला बैर चलता है, सब गुजरों का अभी भी ये कहा जाता है, कोई पता नहीं है कि वो हो सकता है मुसलमानों की तरफ चले जाए, और इसीलिए वो कहा गया कि गुजर क्या मुसलमान का। इन दिनों आपने बहुत नाम सुना होगा तबलीगी जमात, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं है, लेकिन तबलीगी जमात 1926 में बना था और वो मेवात एरिया में ही बना था। अब ये
एक राइटर अगर इस चीज़ के बारे में लिखना चाहता है तो अगेन ये रिसर्च का काम यहाँ पे हो जाता है। तो जब मैं तबलीगी जमात और इसके बारे में मेवात की रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स वहाँ से मिले और वहाँ से फिर कहानी बननी शुरू होती है। वहाँ पर राजा जयसिंह राजा हुआ करते थे अलवर में, और राजा जयसिंह के अगेंस्ट एक पूरा मूवमेंट 1927 में शुरू हुआ, उसको अलवर मूवमेंट कहते हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज आपको मिलेंगी हिस्ट्री की, जिसमें कि कोई आपको जिस तरह का पॉलिटिकल एलिनेशन वाला मैगजीन होगी या न्यूज़पेपर होगा उस तरह का आपको उसके अंदर स्टोरी दिख जाएगी। लेकिन वहाँ की कहानी बड़ी डिफरेंट है। 1923 में वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जो कि पहले शुरू हुआ था मुसलमानों को ये बताने के लिए कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, पर वो धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मेवात के मुसलमान, उनके जो कपड़े हैं वो पगड़ी पहनते थे, जैसा राजस्थान में आपको दिखता है वैसी पगड़ी पहना करते थे, चौड़ी मोरी का पजामा पहना करते थे। तो उन्होंने पहले उसको चेंज किया कि जो इस्लाम के फॉर्म हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो टोपी जाली वाली पहनना, छोटी मोरी का पजामा पहनना, ये डिबेट होनी शुरू हुई। 1925 में RSS भी बना था, 1926 में तबलीगी जमात बना है, 1923 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम बना है। तो अब जब मैं मेवात की इस पॉलिटिक्स को देखना चाहता हूँ तो ये हिस्ट्री जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब RSS भी अपना काम बढ़ा रहा है वो कहता है कि देश को हिंदू बनना चाहिए, RSS जो है ये मानता था कि मुसलमानों को फ़ायदा दिया जा रहा है, मुसलमानों को बेनिफिट देने के लिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तबलीगी जमात और अंजुमन खादिमुल इस्लाम, ये जिन्ना साहब की थ्योरी जो चल रही है उसको तो छोड़ दीजिए, इनका ये मानना था कि यहाँ के जो राजा हैं जयसिंह अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये जो पॉलिटिक्स है 1926-27 में बहुत स्ट्रांग होकर निकल के आनी शुरू हुई थी। अब वहाँ से जब मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को देखना शुरू करता हूँ तो स्टिल 1960-70 के टाइम तक हिंदू मुसलमान का भेद नहीं आया था मेवात में इतना स्ट्रांग जो आज दिखता है, जहाँ पे कि एक दूसरे को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो बीइंग अ राइटर, दिस इज माय जॉब टू डू दैट स्टडी, टू डू दैट रिसर्च। भले ये मेरी कहानी का हिस्सा नहीं है, मेरी कहानी तो किसी और चीज़ पे चल रही है, मेरी कहानी एक रेप केस पे चल रही है जो मेवात से एक मिनिस्टर बना है उसकी है। लेकिन मेवात की जब मैं इक्वेशन बताऊंगा, मेवात की जब मैं पॉलिटिक्स बताऊंगा, तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेवात के लोग सोचते कैसे हैं, मेवात के लोग चीज़ों को देखते कैसे हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट। अब बताने को मेरे पास यही था, और जाने से पहले मैं एक बार जनता स्टोर छपने की कहानी, ये मेरे से कई बार पूछा जाता है कि ये लिखने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे ये हुआ, ये मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, एंड देन आई विल टेक लीव। सो 2009 की 8 की बात है, 2008 में मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था और मेरा एक फोटोग्राफी ग्रुप था जहाँ मैं फोटोग्राफी का शौक था मुझे, उन लोगों के साथ में फोटोग्राफी किया करता था। तो वहाँ पे बातचीत करते करते मैंने एक दो बार उनको कुछ इंसिडेंट्स बताए जो कि मेरे स्टेट पॉलिटिक्स के देखे हुए घटनाएं थी या मेरा अपना हिस्सा था। तो शुरू शुरू में लोगों ने सुना, फिर एक दिन उन्होंने कहा कि यार ये फिल्मी कहानियाँ सुना रहे हो, तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे, दिखाते हैं तुमको। तो मैं उनको न्यूज़पेपर की कटिंग लेके दिखाई जो कि कुछ घटनाएं जो मैंने उनको बताई थी वो घटनाएं एक्चुअल में हुई, एक आध कटिंग में मेरा भी नाम था। तो यहाँ से मुझे एक लड़के ने आइडिया दिया जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट डोमेन बेचा करता था, ही सेड कि भैया आप इसको ब्लॉग पे क्यों नहीं लिखते हैं, ये ब्लॉग पे लिखने में बड़ा मज़ा आएगा, लोग पढ़ेंगे इसको। तो मैंने पहला अपना ब्लॉग शुरू किया और मैं एक जो है मूवमेंट के दौरान एक बार मैं अरेस्ट हुआ था। तो उस अरेस्ट को का जो पूरा एक्सपीरियंस था मैंने उसको डाला कि थाने के अंदर कैसा होता है, जेल में कैसा होता है। जब मैंने उसको शेयर किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो फिल्मों में जेल देखी है और जो एक्चुअल में अंदर होती है उसमें बड़ा डिफरेंस है, एंड हाउ दे ट्रीट यू वो भी डिफरेंट है। लाइक हम लोग जो है पॉलिटिकल मूवमेंट का पार्ट थे, तो हमारे साथ जो ट्रीटमेंट होती है वो बड़ी अलग थी, और जो वहाँ पे कैदी हैं उनके साथ ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट है, फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बहुत ही अलग है। जब मैंने उस ब्लॉग को लिखा तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोग जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ। दिस वॉज वन पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि मुझे कभी न कभी लिखना चाहिए इस पॉलिटिक्स में, लेकिन ज़रूरी यह है कि आपकी राइटिंग पहले इम्प्रूव हो। तो वो ब्लॉगिंग मैं करता रहा, काफ़ी सालों तक मैंने जो है लिखा और काफ़ी सालों तक मेरी राइटिंग जो है वो ह्यूमर, फिर मैं ह्यूमर की तरफ धीरे धीरे मूव करता चला गया, पॉलिटिकल ह्यूमर मैंने लिखना शुरू कर दिया।
एक मैंने रावण की प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखी थी, तो ये 3-4 साल की मेहनत के बाद की बात है, जो बड़ा वायरल हुआ था जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के समय में मैंने एक रावण की प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा था। उस टाइम में बड़ा बड़ा ही इन्फ्लुएंस था अन्ना हजारे से, अब नहीं हूँ, उस टाइम था, तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस था। और उसके बाद मुझे लगा कि जो अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, पॉलिटिशियंस जो अटैक कर रहे हैं, वो बहुत नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो क्या अगर राम आज होते तो उनके साथ भी ऐसा ही अटैक किया जाता, क्या उनको भी रावण जो है इस तरह से घेर सकता था? तो यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन मेरे लिए राम, जो पात्रों की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, तो मेरे पास रियल लाइफ के कैरेक्टर थे गवर्नमेंट, जिसकी तरफ से एक मिनिस्टर अन्ना हजारे पे के आरोप लगा रहे हैं, और दूसरे थे अन्ना हजारे जो एक्टिविस्ट हैं। मैंने इनको माइथोलॉजिकल दो कैरेक्टर के साथ जोड़ा, जो कि रावण और राम, तो ये मेरा कैरेक्टराइजेशन बन गया। फिर मैंने उन इंसिडेंट्स को पिक किया इसके अंदर, जो इंसिडेंट इस ब्लॉग का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे अन्ना हजारे के लिए कहा गया कि ये तो फलाने ऑर्गेनाइजेशन से मिल गए हैं, इनको तो आरएसएस का सपोर्ट है, इनके पीछे ये है, इन्होंने पीछे भारत माता की तस्वीर कैसे लगा दी, तो ये क्वेश्चन आने लगे। फिर अन्ना हजारे ने वो सब हटा दिया, फिर आया कि फंडिंग कौन कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठने शुरू हुए। तो मुझे लगा कि ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर किसी आंदोलन को तोड़ा जा सकता है, जिसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो यही चीज़ मैंने रामायण में ढूंढनी शुरू की कि क्या रामायण में ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो रामायण के अंदर राम को वन में भेजा गया था। अब यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर असेसिनेशन करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि लगता है ठीक बेटा नहीं था, तभी घर से निकाल दिया होगा। हमें रामायण की कथा पता है, लेकिन आप रामायण की कथा को थोड़ी देर छोड़ दें तो आप दूसरा आदमी यही बातें करेगा सोसाइटी के अंदर, कह रहे यार जरूर कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी माँ ने इसके घर से निकाल दिया। फिर राम जंगल में रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ वानरों की पूरी सेना आ गई है। तो वानरों की सेना जब आई, तो सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध हुआ था, राम ने सुग्रीव की मदद की थी। तो अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन उठा सकते हैं राम के ऊपर। यहाँ पे राम को पुष्पक विमान मिला, क्योंकि रावण के पास अपना विमान था, तो राम को भी इंद्र ने अपना विमान दिया। अब राम को इंद्र अपना विमान क्यों दे रहे हैं? ये वही सवाल है कि अन्ना हजारे को कोई सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई गठबंधन है? क्या राम कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे इंद्र को? तो ये सारी चीजों को मिक्स करके आप रियल इंसिडेंट्स को आप वहां पे फिक्स करते हैं। तो ये जो मेरा ब्लॉग था, ये ब्लॉग काफी वायरल हुआ, चोरी भी हुआ, लोगों ने मेरे वहां से उठा उठा के कॉपी पेस्ट करके फेसबुक पे डाला, घूमता रहा। और यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन राइट मोर, तो मैंने पॉलिटिकल उसके बाद लिखना बहुत ज्यादा शुरू किया, और मेरे सटायर अच्छे चले। फिर linttop.com वगैरह पे मैंने लिखा, और फिर 2016 हैपेंड इन JNU, एंड दैट वाज द पीक टाइम व्हेन आई फेल्ट कि इंस्टेंट पॉलिटिक्स का ABCD हमारे देश में किसी को नहीं पता, और मुझे इंस्टेंट पॉलिटिक्स की डिटेल लोगों को बतानी चाहिए, और इस तरह से ये नावल बना है। तो आप लोगों ने, जिन्होंने भी ये नावल नहीं पढ़ा हो, इस नावल का नाम है जनता स्टोर। जनता स्टोर इस नावल का नाम रखने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है। जनता स्टोर जयपुर में एक जगह है, जो कि यूनिवर्सिटी के सामने एक मार्केट है। अब देखिए, स्टोर सुनकर लगता है कि दुकान है, पर ये दुकान नहीं है, ये इस पूरे मार्केट को स्टोर कहा जाता है। मार्केट को स्टोर इसलिए कहा जाता है जनता स्टोर, क्योंकि वहाँ 1970s में जब वो मार्केट बना था, वहाँ पे एक दुकान खुली थी जिसका नाम था जनता स्टोर। एंड आई विल टेक अ सिप ऑफ वाटर। वो दुकान 2-3 साल चली, जहाँ राशन पानी मिलता था, लोग आसपास के जनता स्टोर जाते थे, सामान खरीदते थे। फिर एक दिन जनता स्टोर बंद हो गया, लेकिन तब तक वहाँ फोटोशॉप की दुकान खुल गई, 2-4 और किराने की दुकानें खुल गई, रेस्टोरेंट खुल गए उस छोटे से मार्केट के अंदर। तो हर आदमी यही कहने लगा कि यार फोटो कॉपी जनता स्टोर से करा लाओ, अरे आइसक्रीम ले आओ जनता स्टोर से, अरे जनता स्टोर पे खाने चलते हैं। तो वो जगह का नाम जनता स्टोर पड़ गया। अब जनता स्टोर जो है, वो जनता स्टोर जो वहाँ पे नहीं है, होने के बावजूद भी जनता स्टोर बना हुआ है। और यही कहानी हमारे जनतंत्र की है। जनतंत्र में जिस जन की हम बात नहीं करते है, लेकिन हम उसको जनतंत्र कहते हैं। और उदाहरण, ट्रैक पे मरे हुए मजदूर जो हमने कल फोटोज देखी हैं, वो हमारे पास है। और ये रीजन रहा कि मैंने इसका नाम जनता स्टोर रखा था। तो ये जनता स्टोर आपको जयपुर जो है, अलग जयपुर दिखाएगा। जयपुर के बैकड्रॉप पे ये कहानी सेट है, 1995 से 1992000 की ये कहानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आज की कहानी नहीं, आपको सब कुछ आज जैसा ही महसूस होगा उस कहानी के अंदर। तो आप जयपुर को, जो हवा महल से बाहर का जयपुर है, उसको उस किताब में देख सकते हैं, और उसमें स्टेट पॉलिटिक्स और सिंह पॉलिटिक्स दोनों का जिक्र है। और मेरी जो नेक्स्ट नॉवल आने वाला है, जिसका
जिसके मैं बात कर रहा हूँ वो स्टेट के ऊपर है पूरा का पूरा, और वो एक रेप केस के ऊपर बेस्ड है जो कि मेवात रीजन में है। तो मेवात रीजन के बारे में अगेन दिस इज द टाइम जब मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं नई चीज़ें बताऊँ। आज कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, बाकी जब वो नॉवल शायद अक्टूबर नवंबर तक हम ले आएंगे तो आपको उसमें और कई चीज़ें पता लगेंगी। सो प्रतिभा जी इज सेइंग सिमुलेशन एंड एम्पैथी एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर राइटिंग। आई कंप्लीटली एग्री। मेरा जो पॉइंट है हमेशा रहा है प्रतिभा जी, वो यही रहा है कि मैं कोशिश ये करता रहा हूँ कि जितना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सके, जितनी चीज़ों को मैं खुद देख सकूँ, मैं उसको जानूँ। अगर मैं खुद नहीं देख पाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से मुलाकात करूँ, लोगों से मैं बातें करूँ और उन बातों के जरिए मैं जान सकूँ कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। मैंने जो थोड़ी देर पहले इंसिडेंट सुनाया था जो कि उस ड्राइवर के बारे में था, ये सब सुना सुनाया है तो मुझे लोगों से ही पता लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ या इस तरह की घटनाएं हुई, कुछ घटनाएं मैंने देखी हुई हैं। सो यस, इट इज़ द फैक्ट कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस दैट वर्क्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। मेरे पास अभी और कुछ कहने को नहीं है एंड आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो हम उसकी बात कर सकते हैं। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे डॉक्टर नाइक ने कहा था कि मैसेंजर पे भी वो मुझे कुछ क्वेश्चंस भेज देंगी, तो इफ़ देर आर एनी क्वेश्चन ऑन मैसेंजर सो आई कैन जस्ट चेक। यस, सो वी हैव वन। सो द क्वेश्चन इज, वी से पॉलिटिक्स किल कल्चर बट हाउ कल्चर किल्स पॉलिटिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। समहाउ आई फील कल्चर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है। ये कल्चरल चेंजेस जो हैं, पॉलिटिशियंस कभी नहीं चाहते कि चेंजेस हों बहुत ज़्यादा कल्चर के अंदर, और दे एक्चुअली ट्राई टू कंट्रोल द वे वी थिंक, द कंट्रोल द वे वी बिहेव। जैसे आप देखें कि एक समय था जब हम अपने अपने धर्मों को लेके बड़े सजग थे, अपने धर्मों को लेके हम काम किया करते थे और हम अपने धर्म के हिसाब से हमारे अपना रहन सहन की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ उसको चेंज करने की कोशिश की गई। मुसलमानों को बताया गया कि आप बहुत आप मुसलमान हैं, हिंदुओं को बताया गया हिंदू हैं। मेवात एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ मेव मुसलमानों को कहा गया कि वो मुसलमान हैं, उनको मुस्लिम की तरह बिहेव करना है, उनको पगड़ी नहीं पहननी है, उनको वो जालीदार टोपी पहननी है। उनको कहा गया कि औरतों को बाहर मत जाने दो, उनको बुरके में रखो, इनको मत पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें हुई। हिंदुओं को कहा गया कि देखिए ये तो देश पे कब्जा कर देंगे। तो ये जो हमारा कल्चर है, हमें ये प्रेशराइज किया जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सो ये कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कल्चर पर ज़्यादा है, और जब वो कल्चर को पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है देन दैट कल्चर स्टार्ट किलिंग द रियल पॉलिटिक्स। सो अब जो है हम पॉलिटिक्स को इस एंगल से नहीं देखते हैं कि वो पॉलिटिक्स जो है वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स होगी, अब हम ये देखना शुरू कर रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिक्स मेरे धर्म की पॉलिटिक्स होगी। सो आई वॉज रीडिंग अ बुक, प्रशांत झा की बहुत अच्छी किताब है व्हाई बीजेपी विन। सो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दिया हुआ है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग गए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको ही वोट देंगे, बस हमारी बातें मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से कंसोलिडेशन होगा वोट्स का और आप हम सारा वोट आप ही को देना चाहते हैं। तो ये जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें इम्पैक्ट करनी शुरू कर जाती हैं कि पॉलिटिशियंस आपके कल्चर को बना रहे हैं, फिर उस कल्चर को कल्चर पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। द मूवमेंट विल स्टार्ट ब्रेकिंग द बैरियर्स, वहाँ पर हमारा सारा का सारा फोकस चेंज होना शुरू हो जाएगा और वेलफेयर की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, सो आई विल टेक दैट। So the question is, any incidents that you have faced or witnessed which changed your perspective towards politics? जो first मैंने आपको book एक मेरे जनता स्टोर का ही एक जिक्र किया था, एक hostel में हुए rape case का। ये rape case जब हुआ था, I was 19 years old, I was studying in second year, तो उस time ये rape case हुआ था और rape case के कुछ दिनों के बाद ही एक लड़का निशांत भारद्वाज एक करप्शन के अगेंस्ट जांच की मांग को लेते हुए जल के मर गया था। ये दोनों चीज़ें जो है मेरे सेकेंड ईयर में ही हुई थी एंड इस टाइम मैं पॉलिटिक्स को समझना शुरू कर रहा था, और ये वाला समय था जब मुझे समझ में आया कि हाउ एवरीथिंग वर्क्स। मैंने अखबारों में पढ़ना शुरू किया लड़की के करेक्टर के बारे में, मैंने हॉस्टल यूनिवर्सिटीज़ में सुनना शुरू किया उसका करेक्टर खराब था।
उसका करेक्टर कैसा भी था मैं नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं, तो जो बातें और थी वो सही थी गलत थी, पर ये फैक्ट है कि उसका रेप हुआ था। उसका करेक्टर कैसा भी उसका रेप नहीं हो सकता। सो अपने बेनिफिट के लिए लोग किस तरह से इन इंसिडेंट्स को यूज करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, ये मैंने पहली बार वहां देखा। जो लड़का वहां पे जल के मरा उसके पीछे थ्योरी ये थी कि वो जलना नहीं था, सिर्फ एक्टिंग करनी थी, अखबार में फोटो खिंचवानी थी, पर वो कैसे जल के मर गया इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बन गई। तो वो थ्योरीज जो मैंने देखी और उसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जल के मरने से। 3 दिन तक बहुत हंगामा मचा। चौथे दिन यूनिवर्सिटी में हर चीज वैसी की वैसी ही चल रही थी। जिनके अगेंस्ट था कैंपेन, उनके अगेंस्ट कैंपेन को लोगों ने पॉलिटिकल वे दे दिया, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करी और चीज़ें धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो गई। ये दोनों चीज़ें थी जिन्होंने मेरे लिए पॉलिटिक्स को देखने का नज़रिया चेंज किया। एंड फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि डोंट ट्रस्ट एनी पार्टी, हर पार्टी एंड ऑफ द डे एक ही जैसी है। उनका विरोध एक दूसरे से सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। तो वो एक आदमी जो करता है उसका आज विरोध करते हैं, अगली बार वही काम वो भी कर रहे होते हैं। जिन सब्सिडी का विरोध पिछली सरकार ने किया वो सब्सिडी अब वो यही सरकार देती है। तो ये हमेशा से ये चलता आ रहा है। एक सरकार को किसानों के आत्महत्या पर घेरा जाता है, लेकिन जब उसी सरकार में दूसरी सरकार आ जाती है वहाँ किसान की आत्महत्या होती है, तो वो फिर बचाव के मोड में आ जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स का नेचर है। दिस वन मोर क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स इज वाइज पीपल डू नॉट एंटर इन मर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इज देयर एनी स्कोप? स्कोप तो है। करंट सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन ऐसी है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको याद होगा शुरू हम बात कर रहे थे कि जो सिस्टम है सबको सकिन करना चाहता है अपने साथ। ये सिस्टम को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं ये जब आएंगे तो ये आके चीज़ें हमारी डिसरप्ट कर देंगे, तो वो इस डिसरप्शन को नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि गुंडा एलिमेंट्स या पावर करप्ट एलिमेंट्स ये पहले आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग आके करप्ट नहीं होते, वो भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोसाइटी से कनेक्टेड हैं, जब ये आना शुरू करते हैं तो चेंजेस को लाते हैं। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब पार्टी में आता है वो कैसे चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करता है। इज ही गेटिंग सक्ड इनटू दैट सिस्टम, या फिर वो एक नए सिस्टम को क्रिएट करता है? 2-3 पॉलिटिशियंस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो इंटेलिजेंट हैं, उनकी पर्सनल लाइफ का अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 1 पर्सन इज शशि थरूर, मच लिटरेट पर्सन। आप उनका नॉलेज देखिए, उनका बात करने का तरीका देखिए, उनके मुद्दे देखिए। सेकुलरिज्म को लेके जब देश में चलता है कि सेकुलरिज्म नहीं है, ये अपीजमेंट पॉलिसी है, दैट इज द पॉइंट व्हेन दैट गाय फ्रॉम अदर पार्टी ही सेज व्हाट हिंदुइज्म इज एंड व्हाट सेकुलरिज्म इज, उनके व्यूज कितने क्लियर हैं। और जब उनके व्यूज को मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, एक्चुअल में रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर व्यूज यही होने चाहिए, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। बीजेपी में डॉक्टर हर्षवर्धन या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आप उदाहरण ले रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी में बहुत अच्छे एक नेता हैं, शूटर रहे, फौजी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। जब उनको वो स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह से काम करते हैं, उनको मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो एज अ मिनिस्टर कभी बिहेव करते हैं। वो ट्रेन में बैठ के जयपुर चले जाते हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, वो लोगों से ट्रेन में बातें करते हुए जाते हैं और स्पोर्ट्स को लेके, जो उनका एरिया है उसको लेके काम करते हैं, उनकी अपनी नॉलेज है। तो ये आपके पास हर जगह ऐसे पढ़े लिखे लोग बहुत सारे मिलेंगे जो कि अंदर हैं। अब जो पॉइंट आता है कि ये लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे और कैसे इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे बजाय सिस्टम का पार्ट होना। तो पहले के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि अगर हमें करप्ट लोग ज़्यादा दिखे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी आए हैं और ये आगे बढ़ेगा। हालांकि दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम, पर ज़रूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को चुनना शुरू करें, हम ऐसे लोगों की डिमांड करना शुरू करें जो कि एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर सके असेंबली में और पार्लियामेंट में। सो दिस इज़ ऑल। सो माई फ्रेंड्स, कंक्लूडिंग दिस, अगर आप में से कोई भी पॉलिटिकल नॉवल लिखना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट कि रिसर्च आप ज़रूर करें। रिसर्च के साथ अपने आसपास के इंसिडेंट्स को देखें, उन इंसिडेंट्स के पीछे के पॉलिटिक्स को न्यूट्रल होकर सोचने की कोशिश करें और उसके बाद उसको एक कहानी के फॉर्मेट में लाएं। पॉलिटिक्स की कहानी बहुत बोरिंग हो जाती है, इसलिए पॉलिटिक्स की कहानी में ट्विस्ट को हमेशा रखने की कोशिश करें ताकि इंटरेस्ट पब्लिक का बना रहे कि ये ट्विस्ट जो है ये काफ़ी उनको बनाए रखे। तो सुनील ननवानी जी का एक क्वेश्चन आया है, बिफोर आई कंक्लूड, एज पॉलिटिकल इश्यूज आर सेंसिटिव टू टॉक अबाउट, हैव यू फेस्ड एनी ऑब्स्टेकल टू पब्लिश जनता स्टोर नॉवल? नहीं सुनील जी, आई डिडंट फेस्ड एनी ऑब्स्टेकल। हाँ, उसमें एक दो पोर्शन थे जो काट दिए गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग हो रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए उसको काट दिया गया था।
इसके अलावा और कोई उसके अंदर मुझे दिक्कत नहीं आई, और दिक्कत ना आने का रीज़न ये है कि मैंने जो उसमें पॉलिटिक्स दिखाई है उसको किसी पार्टी के पॉलिटिक्स नहीं दिखाई है, किसी एक आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं दिखाई है। आई जस्ट पिक्ड अप पॉलिटिक्स, ये कैसे होता है, पॉलिटिक्स का नेचर एक ही है जो मैं कह रहा था, वो है सत्ता प्राप्त करना, ये इनके इन प्रकार है। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए जो पूरी पॉलिटिक्स होती है वो किस तरह से होती है, आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट एंड आई पिक्ड अप इंसिडेंट्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द पॉलिटिक्स, राइट एंड लेफ्ट और सेंटर जो भी है सबका। तो उनके कॉमन जो नेगेटिव साइड्स हैं, कॉमन जो पॉजिटिव साइड्स हैं, आई पिक्ड अप एंड आई मेड दैट इनटू द स्टोरी। सो इससे ये बेनिफिट होता है कि मुझे इस तरह के इश्यूज नहीं आते, एंड जो एंड यूजर है वो मेरे को एक आइडियोलॉजी के एंगल से नहीं देखता, वो प्योरली पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के एंगल से देखता है। एंड एज अ राइटर आई वॉन्ट देम टू सी पॉलिटिक्स जस्ट एज पॉलिटिक्स, जहाँ पे कि वो ये देखें कि हाँ ये जो घटना हो रही है इसको सिर्फ अपनी राजनीति अपनी आइडियोलॉजी से नहीं देखना है, इस घटना के आगे पीछे के इंसिडेंट्स को देखना है। जैसे मैं आज अभी थोड़ी देर पहले मजदूरों की बात कर रहा था जो ट्रेन से कट गए, ये इस टाइम ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी की सरकार, किस पार्टी ने क्या किया, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि इतने सालों के बाद वो मजदूर आज भी उस स्थिति में क्यों है, क्यों वो इतनी बेसिक बात नहीं समझ पाए कि वो पटरी पर नहीं सो सकते, क्यों उनके लिए अभी भी ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए हैं कि वो जा सके, क्यों आज तक हमारे पास हेल्थ एजुकेशन की हेल्थ की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम बड़ी बीमारियों को झेल सकें। सो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन हर सरकार के साथ है, हर आइडियोलॉजी के इससे पूछे जा सकते हैं, और हर आइडियोलॉजी में ये सारे इश्यूज रहे हैं। सो एज अ राइटर इफ यू फोकस ऑन दैट पेन पॉइंट्स, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये इश्यू आएगा। Yeah, so that is all from my side. In case anyone have any question, I will wait for a minute and then I will conclude. बोलते हैं प्यास बहुत लगती है तो सो कोई और क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच हूएवर ज्वाइंड, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग, एंड थैंक यू SGR नॉलेज फाउंडेशन, दिस इज फैंटास्टिक मूव यू विच यू हैव टेकन। लोग आते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और ये मुझे लगता है घर में बैठे इंटरेक्शन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हमें भी लगता है कि हम लोगों से बात कर पा रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं वो उनको भी कई चीज़ें हमसे पूछते हैं, या हमें वो कई बार कई चीज़ें समझा देते हैं, हम भी उनके कमेंट्स से सीख लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन बींग पार्ट ऑफ इट, एंड ऑल द बेस्ट, बी सेफ, रिमेन सेफ, घर में रहिए और बाहर मत दिखिए। And before I end, there is one more question which I will take is, have you shown a positive future for context of politics? Vinay Narwa ji, I haven't shown any future, I just shared the truth. मैंने truth दिखाया है और अगली book में भी मैं truth दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर की न्याय किस तरह से होगा उसके ऊपर बहुत सारे issues हैं current system में, और वो किस तरीके से न्याय हो सकता है ये उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं सिचुएशन को हमारे सामने लेके आ रहा हूँ, रीडर्स के सामने, एंड देन रीडर्स कैन टेक इट अप कि उनको अपनी सोसाइटी को कैसे बनाना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रतिभा जी, एंड इन केस यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, सो ये वीडियो थोड़ी देर के बाद हम उसको शेयर कर देंगे पेज के ऊपर ही। सो इन केस यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टुमारो आई विल कम बैक एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस। Thank you, stay safe, take care, and read books. Do read Janata Store. Bye bye.